हमने पूरी कोशिश की, हम नहीं चाहते थे चक्का जाम करना, लेकिन सरकार के दिमाग में एक ही बात है कि शायद ट्रांसपोर्टर्स बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी ताकत है ये। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि जिससे कि हम कोई ऐसी बात कर दे काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। अगर हजारे इकट्ठे हो गए और चक्का जाम कर दिया तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता। उन्नीस सितंबर को हम दिल्ली में चक्का जाम कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में। इसके अंदर यूनाइटेड फ्रंट के अंदर सभी सेगमेंट्स हम इकट्ठे हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी कैब हो, मिनी बसेज हो, ग्रामीण सेवा हो, एसटी बसेज हो या ट्रक्स हो। जो इम्पैक्ट आएगा दिल्ली और एनसीआर में आएगा, जिसके अंदर गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, पानीपत तक ये हम चक्का जाम करने जा रहे हैं। नहीं देखो ऐसा है, एसोसिएशन अलग अलग हैं, बट हमारा मुद्दा एक ही है कि भाई जो ये भ्रष्टाचार है, जो ये चलान की जो दिक्कत है, काला कानून है, इसको वापस लेने के बारे में हम सब लोगों ने सारा ये सिस्टम कर रखा है। सर ये बताइए कि कल जब चारों तरफ स्ट्राइक है कमर्शियल व्हीकल्स की, तो क्या आप लोग भी स्ट्राइक करने वाले हो? नहीं, स्ट्राइक हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। हमारी एसोसिएशन से ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से हमारे पास कोई ऐसा कोई नियम है, ना हमने स्ट्राइक कभी करी, ना हम स्ट्राइक करेंगे। हमने पूरी कोशिश की, हम नहीं चाहते थे चक्का जाम, लेकिन सरकार के दिमाग में एक ही बात है कि शायद ट्रांसपोर्टर्स बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी ताकत है ये। सर आपकी प्राइमरी डिमांड्स क्या है? हमारी सबसे पहली डिमांड तो जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जिसकी सिर्फ ट्रांसपोर्टर खिलाफत नहीं कर रही, इसकी सारी जनता, जो भी आम जनता भी इससे परेशान है, इसको बाकी स्टेट से फॉलो किया है, उन्होंने जुर्माने कम किए हैं, उन्होंने इस बात को समझा है कि हमने गलत किया है, उन्होंने जुर्माने कम किए हैं, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली स्टेट भी इसको कम करे। उसके बाद दूसरा हमारा मुद्दा था 44A का, जिसमें कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, पहले ही इकॉनमी हालात इतनी ख़राब है कि हम पहले ही इतने लॉसेज में चल रहे हैं, आज इंस्टॉलमेंट से नहीं दे पा रहे, तो हम जो 44 में आमदन बढ़ा देगी गाड़ियों की, उसके हम विरोध करते हैं। तीसरा हमारा मुद्दा एक ड्राइवर्स के ऊपर भी है, ड्राइवर्स को आज तक इन्होंने कोई मेडिकल हेल्थ या किसी और एड के बारे में नहीं सोचा, आफ्टर डेथ भी कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा। ड्राइवर्स हमारे जो कि दिन रात मरते हैं इस देश के लिए, जो काम करते हैं हमारे, उनको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है कहीं पर भी, ना कोई हाईवेज़ के ऊपर ना कहीं पर। चौथा मुद्दा इंश्योरेंस की कैपिंग के ऊपर है, उसकी भी तक क्लैरिटी नहीं दे पाई सरकार, क्योंकि परसों मीटिंग करके आए थे जिसमें सारे शेखावत साहब सब थे वहाँ पे, तो उसके बाद सरकार ने कहा था शाम तक आपको जवाब दे देंगे, लेकिन अभी तक दो दिन हो गए कोई जवाब नहीं आया। नियम पालन सब करना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, लेकिन जो आप देखते होंगे कई दिनों से, कई वर्षों से दिल्ली की रोड पर जो नंगा नाच हो रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, किस तरह से ट्रक वालों को लूटा जाता है, बस वालों को लूटा जाता है, हरेस किया जाता है, 10 किलोमीटर की एरिया के अंदर 20 बार गाड़ी को चेक किया जाता है, ये कहाँ कहाँ असूल है। ट्रैफिक पुलिस का काम है जो ट्रैफिक है उसको स्मूथ करना, उसको संचालन करना, ना कि छुप के बाकी गाड़ियों को पकड़ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जुर्माना कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई गलती करता तो जुर्माना देना चाहिए, और वो जुर्माना कितना भी अगर गलती नहीं करता तो जुर्माना किस बात का। बट आप तो जबरदस्ती वाही कर रहे हो, मेरी गाड़ी जा रही है, मैंने कुछ नहीं किया यार, मैं कोई लाल बत्ती जंप नहीं की, मैंने कोई वॉलेशन नहीं की, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो? ये कोई पूछता ही नहीं आज तक। बातचीत करके भी तो इसका हल निकल सकता था, चक्का जाम जैसा एक मेजर स्टेप क्यों लेना पड़ा? हम पिछले 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने, हम कल तक करते रहे कोशिश, कल हम पुराने सचिवालय में भी गए, वहाँ पर हमारी बातचीत भी हुई, लेकिन सर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। केंद्र सरकार के भवन में भी गए हम, राज्य भवन, वहाँ पर भी हमने अपना वो रोष जताया, अपने डिमांड्स का रखा, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉपर रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। तो हमें बड़ी, हम नहीं चाहते कि हम इस, क्योंकि इसमें हमारा भी नुकसान है और आम जनता के भी नुकसान है, हम ये नहीं चाहते कि चक्का जाम करें, लेकिन हमें मजबूरी हमारे बन गई है क्योंकि सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। चला के भी बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है जी, चला के भी कुछ नहीं निकल पा रहा है। अगर गाड़ी चलेगी, अगर हम गाड़ी को अभी 15,000 रुपये किराया हरिद्वार का, हम गाड़ी को लोड करा के भेज देते हैं, यहाँ से गाड़ी 5-7 किलोमीटर तक जाएगी, उसका 16-17,000 रुपये का चलान कट जाएगा। हमें जो जेब खर्चा गाड़ी का, डीजल और ड्राइवर की सैलरी 8-9,000 रुपये, वो सब घर से ही देना पड़ेगा, जब हमें श्योरिटी नहीं है कि भी चलान इतने महंगे हो चुके हैं कि चलान हम भुगतेंगे कहाँ से। अभी भी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तो हमारे पास लास्ट चारा यही है, हम अपनी गाड़ी का थैला, चाबियों का और फाइल उठा के अपना अथॉरिटी में जमा करा देंगे और गाड़ी साइड में लगा के खड़ी कर देंगे। जिस ऑटो रिक्शा वाले का 34,000 रुपये का चलान हुआ है, आपको लगता है कि उसकी इतनी हैसियत रही होगी कि 34,000 रुपये जमा करा पाए? ऐसी कौन सी गुनाह कर दिया उसने, उसके वो अपने बच्चे कहाँ से पालेगा?